नमस्ते, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं Lallantop.com। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने मराठाओं के लिए 16% आरक्षण की घोषणा कर दी है। इसके लिए देवेंद्र फडणवीस ने 29 नवंबर को पिछड़ा आयोग की सिफारिश पर मराठाओं के लिए आरक्षण का एक बिल विधानसभा में पेश किया और वो ध्वनिमत से पास हो गया। बिल को विधान परिषद से भी पास करवा लिया गया और इस तरह से महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को 16% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। अब इस बिल को कानूनी जामा पहनाना बाकी है। कानूनी मान्यता मिल जाने के बाद सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठाओं को 16% का आरक्षण मिलने लगेगा। सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर यह फैसला लिया है। इस फैसले का इतिहास जानने के लिए हमें 2014 में जाना पड़ेगा। 2014 में महाराष्ट्र में कांग्रेस और NCP की सरकार थी। मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने 25 जून 2014 को एक ऑर्डिनेंस निकालकर मराठा समुदाय को 16% और मुसलमानों को 5% का आरक्षण दे दिया। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ बम्बई हाईकोर्ट में याचिकाएं लग गईं और हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। सरकार से कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कीजिए, तभी जाकर आरक्षण टिकेगा। इसके बाद सरकार ने महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग को जिम्मेदारी दी कि वो राज्य में जातियों के पिछड़ेपन पर एक रिपोर्ट तैयार करे। रिटायर्ड जस्टिस गायकवाड़ की अध्यक्षता वाले इस कमीशन ने महाराष्ट्र के हर जिले में जन सुनवाई शुरू की। जब तक इस कमीशन की रिपोर्ट आती, महाराष्ट्र में चौहान सरकार चली गई और देवेंद्र फडणवीस की सरकार आ गई। लेकिन कमीशन अपना काम करता रहा। कुल 25 मानकों पर मराठाओं के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ा होने की जांच की गई और उसमें सभी मानकों पर मराठाओं की स्थिति दयनीय पाई गई। इस दौरान किए गए सर्वे में 43,000 मराठा परिवारों की स्थिति जानी गई। इसके अलावा जन सुनवाइयों में मिले करीब 2 करोड़ ज्ञापनों का भी अध्ययन किया गया और फिर इस कमीशन ने 3 सिफारिशें की, जिसमें मराठा समुदाय को सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी के तहत अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कही गई। फडणवीस सरकार ने 25 नवंबर 2018 को पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को मान लिया और इस पर अमल के लिए कैबिनेट सब कमेटी बना दी। इस कैबिनेट सब कमेटी ने भी आरक्षण की सिफारिश को मंजूरी दे दी, जिसके बाद फडणवीस सरकार की कैबिनेट ने भी 16% आरक्षण की सिफारिश कर दी और इसे कैबिनेट से पास कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र की ये मांग बहुत पुरानी है, करीब 30 साल पुरानी है। मराठा महाराष्ट्र का एक ताकतवर जाति समूह है। इसमें कई जातियां आती हैं। शिवाजी महाराज भोसले मराठा थे। उनके ज़माने से मराठा महाराष्ट्र में कभी कमज़ोर नहीं रहे। इनके पास खेती लायक ज़मीनें हैं और राजनीति से लेकर पढ़ाई लिखाई नौकरी में मराठा साम्राज्य का पर्याप्त दखल है। आज़ादी के बाद महाराष्ट्र में पहले मास लीडर वसंतदादा पाटिल और आज के ज़माने में महाराष्ट्र में रसूख और खासकर धनबल के मामले में सबसे मजबूत नेता शरद पवार दोनों मराठा हैं। हालांकि सभी मराठा समृद्ध नहीं होते। ये समाज महाराष्ट्र में जनरल कैटेगरी में आता है और राज्य की आबादी का तकरीबन 30% है। लेकिन ये मराठा अपने लिए आरक्षण की मांग करता रहा है। 1980 के दशक में पहली बार मराठाओं ने खुद के लिए आरक्षण की मांग की और तब से अब तक इस आंदोलन ने कई पड़ाव तय किए हैं। कई बार हिंसा हुई है, कई लोगों की जान गई है और उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने ये मांग मान ली है। तो जो मराठा 1980 से आंदोलन कर रहे थे, वो असल में चाहते क्या थे? महाराष्ट्र में मराठाओं की एक उपजाति है कुणबी। विलासराव देशमुख ने 2001 में कुणबी मराठाओं को OBC में शामिल कर लिया था। लेकिन महाराष्ट्र में पहले से ही 350 जातियां OBC में शामिल हैं। अब बाकी बचे मराठा भी OBC में शामिल हो जाते तो किसी भी OBC को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए उन्हें कैटेगरी वाला आरक्षण नहीं चाहिए था। उन्हें सिर्फ अपने लिए 16% आरक्षण ही चाहिए था और महाराष्ट्र सरकार ने अब सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्ड कैटेगरी के तहत अलग से 16% का आरक्षण देने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? महाराष्ट्र में पहले से ही 52% का आरक्षण है। इसमें OBC के लिए 19%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 7%, स्पेशल बैकवर्ड कास्ट के लिए 13% का आरक्षण है, यानी कुल मिलाकर 52%। अब अलग से इसमें मराठाओं के लिए 16% का आरक्षण जोड़ दिया जाए तो ये पहुंच जाएगा 68% तक और इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मंडल आयोग की सुनवाई के दौरान इंदिरा साहनी केस में कहा था कि केंद्र और राज्य में 50% से ज़्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता है। हालांकि तमिलनाडु में 69% का आरक्षण है और ये एक अपवाद है। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी 52% का आरक्षण पहले से ही है और ये भी एक अपवाद है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक रोक नहीं लगाई है। लेकिन मराठा अकेले नहीं है जिन्हें यह आरक्षण चाहिए। महाराष्ट्र में 8% आबादी धनगर समुदाय की है। वहाँ धनगर गड़रिया होते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ST के तहत आरक्षण मिल जाए।
फिर कांग्रेस एनसीपी सरकार ने जाते जाते मुसलमानों को भी नौकरियों में 5% आरक्षण की घोषणा की थी। इसके बाद उस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। अब धनगर और मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सरकार ने मराठा को आरक्षण दे दिया। इसे मुद्दा बनाकर धनगर या मुस्लिम समुदाय हाईकोर्ट पहुंच सकता है। वहां सरकार को जवाब देना होगा कि क्यों वह आरक्षण की 50% सीमा से आगे निकलकर इसे 68% तक करना चाहती है। तय कोर्ट ही करेगा कि यह आरक्षण रहेगा या खत्म होगा, क्योंकि ऐसे उदाहरण पहले भी देखने को मिल चुके हैं। हरियाणा में जाटों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। राजस्थान में भी जाट आरक्षण को कोर्ट ने खारिज कर दिया, और यही क्यों? महाराष्ट्र की पिछली सरकार ने भी तो मराठा आरक्षण दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो सवाल ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने आरक्षण का ये देव आखिर क्यों चला है? जवाब है मराठा। महाराष्ट्र में मराठा आशीर्वाद के बिना सत्ता में आना या बने रहना हमेशा ही मुश्किल रहेगा। इसलिए महाराष्ट्र में कोई सियासी पार्टी ये कह ही नहीं सकती कि वो मराठा आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस भी यही कहते रहे कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। 29 नवंबर 2018 के फैसले से पहले फडणवीस सरकार ने दिसंबर 2016 में 2500 पन्नों का एक एफिडेविट बम्बई हाईकोर्ट को दिया था। इसमें 80% मराठाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताया गया था। इस एफिडेविट में पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट की 4 रिपोर्ट्स का भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक मराठा साम्राज्य से आने वाले लोग गन्ना कटाई, खेत मजूरी, हम्माली और दूसरे के घरों में भी काम करते हैं। जब महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार ने भर्तियां निकाली तो उन्होंने कहा कि वो 16% सीटें छोड़कर सारी भर्तियां करेंगी, ताकि जब आरक्षण का रास्ता साफ हो जाएगा तो बैकलॉग भर्ती में मराठाओं को नौकरी दी जा सकेगी। इसके बाद भी फडणवीस ने हर जिले में हॉस्टल, स्कॉलरशिप और ब्याज माफ़ी योजनाएँ भी लागू की, ताकि मराठाओं को खुश रखा जा सके। और अब फडणवीस सरकार ने 16% का आरक्षण देकर अपना आखिरी दांव भी चल दिया है। 2019 में लोकसभा का चुनाव है, 2020 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है, और दोनों ही चुनावों में मराठा वोटों की खासी अहमियत है। अब अगर कोर्ट सरकार के फैसले के खिलाफ जाती भी है तो फडणवीस ये कहने की हालत में होंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दी। कोशिश कामयाब होती है या नाकामयाब, ये भविष्य में है, लेकिन जो भी होगा लल्लनटॉप आपको वीडियो के जरिए मुद्दे से अपडेट करता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप इसका यूट्यूब कट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और लल्लनटॉप की खबरें और वीडियो अपने स्मार्टफोन पर पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।